सत श्री अकाल सलाम दोस्तों, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल ते। ते वीडियो शुरू करन तो पहला प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर दिओ जी। दोस्तों सानू सब नू पता है कि पाकिस्तान ने पहले सैमीफाइनल दे विच न्यूजीलैंड नू 7 विकेट दे नाल बहुत बुरी तरह दे नाल हराया है, ते हुण पाकिस्तान वर्ल्ड कप दे फाइनल दे विच पहुँच चुका है जिथे उन्हां दा मुकाबला इंग्लैंड जां इंडिया दे नाल होना तय है। दोस्तों अज के मैच के विच बाबर आजम ने अहम रोल अदा किया है। वो काफ़ी दिनों तो एशिया कप के विच भी ते पूरे वर्ल्ड कप के विच भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे सी। उन्हां दी फॉर्म उन्हां दा सिरदर्द बन चुकी सी। सो अज बाबर आजम भी फॉर्म के विच वापस आए ने ते उन्होंने बहुत वधिया तरीके दे नाल 50 प्लस स्कोर किया है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस दे लई ये बहुत खुशखबरी की गल है, पर बाबर आजम पिछले कुछ दिनों तो इन्ने ज़्यादा डिप्रैसड हो चुके सन कि वो कदे कदे तो अपने आप नूं होटल रूम दे विच लॉक तक कर लेंदे सी। लंबे समय तो बाबर आजम की खराब परफॉर्मेंस के चलते पाकिस्तान के ओल्ड क्रिकेटर भी उन्होंने हमेशा टीवी पर बैठ के ट्रोल कर रहे सी। ते लंबे समय तो जो बाबर आजम नू सपोर्ट करते आ रहे उसके फैनस भी उसके कोलों पिछा छुड़वा रहे सी। हरेक मैच तो बाद जो बाबर आजम टीम के नाल ड्रैसिंग रूम के विच मीटिंग करते तो उन्होंने सामने तो बहुत कॉन्फिडेंट रहिंदे, उन्होंने वो अलग अलग तरीके दे नाल समझाउंदे ते गेम बारे दसदे, पर जो वो इकल्ले हुंदे सन तो वह डिप्रैशन दे विच चले जाते सी। बाबर आजम का हजे कैरियर स्टार्ट ही होया है, एज ए कैप्टन उन्होंने इन्निया मुश्किलों का सामना शायद पहला नहीं किया सी। सो वो सारयां दे सामने तो बहुत खुश रहिंदे ते हरेक नूं कॉन्फिडेंट करते अगले मैच दे लई, पर उन्हां दे अपने दिमाग दे विच कुछ होर ही चल रहा सी। दोस्तों ड्रैसिंग रूम चों एक अजिही गल लीक हुई है जिस दे बारे बहुत घट लोग फिलहाल जानते हैं, पर आने वाले समय दे विच ये गल बहुत ज़्यादा वायरल होएगी। अपने सारे सीनियर्स वल्लों ट्रोल किए जाण तों बाद ते अपने फैनस वल्लों बाबर आजम का साथ ना देण दे बाद बाबर आजम सैमीफाइनल तो एक रात पहला होटल दे रूम दे विच अपने पिता जी नूं कॉल करके सारी रात रोंदे रहे सन। बाबर आजम दे पिता उन्हां नूं कॉल ते बार बार यही समझा रहे सन कि वो एक चैंपियन है, वो एक बहुत वधिया प्लेयर है ते ओ ए सब कुछ हासिल करन लई उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बार बार समझाउण दे बावजूद भी बाबर आजम दिल छोटा करके रोंदे ही जा रहे सन। सो दूसरे दिन जो मैच स्टार्ट होया तो बाबर आजम का कॉन्फिडेंस देखने वाला सी। सारयां दीयां दुआवां काम आईयां ते बाबर आजम वापस फॉर्म के विच आया तो एक वधिया प्रदर्शन करके सब का मूँह बंद कर दिता।